सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्यूनिटी. ठीक है, फिजियोलॉजी इम्यूनिटी की पढ़ते हैं कि दो टाइप्स की होती है. देखो, इनेट होती है और एक्वायर्ड होती है. इनेट में मतलब कि हमारे बर्थ से हमें प्रेजेंट है, हमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीजन की, इम्यूनाइजेशन की या सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर. एक्वायर्ड की वो हमें जब हम लोग हुए हैं उसके बाद हमें कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई फूड प्रोडक्ट्स है, किसी भी चीज़ से हमें एक एंटीजन एक्सपोज हुआ, उसकी वजह से एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है. ठीक है, अब जो इननेट इम्यूनिटी है वो कैसे हो सकती है, मैक्रोफेजेस हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेज का पूरा सिस्टम, एसिड सिक्रीशन HCL है, कोई भी हमें पता है कोई कोई बैक्टीरिया या कुछ चले जाता है स्टमक में, वायरस हो गया, तो वो एसिड कई 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 सिर्फ कई वो एसिड जो हैं वो उनको मार देते हैं और ख़त्म हो जाता है. स्किन बैरियर है, स्किन के थ्रू कोई चीज़ें नहीं जा सकती हैं. लाइजोजाइम्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड्स बेसिकली बैक्टीरिया के लिए होती हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ के लिए. देन कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स हैं, वो हम डिस्क्राइब करेंगे. और नेचुरल किलर सेल्स तो किलर ही हैं, वो तो बिल्कुल ही मार देंगे. ठीक है, और होती हैं दूसरे टाइप्स में एक्वायर्ड. एक्वायर्ड में होती हैं दो टाइप्स की, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड. ठीक है, ह्यूमोरल जो होती है वो होती है बी लिम्फोसाइट्स की वजह से, और जो हमारे पास सेल मीडिएटेड होती हैं वो होती हैं टी लिम्फोसाइट्स की वजह से. ठीक है, अब ये जो दोनों एक्वायर्ड है, ह्यूमोरल है या जो ये हमारी सेल मीडिएटेड है, ये जब तक एंटीजन नहीं आता या फॉरेन ऑर्गेनिज्म, कोई टॉक्सिन कुछ नहीं आता, तब तक डेवलप नहीं होती. ठीक है, अब अगर हम बोलें ये जो सब्सटेंसेस हैं एंटीजन्स, उनको हम डिस्क्राइब करें कि किन की वजह से होती है एंटीजन. जन मीन्स हमारी बॉडी, उनके खिलाफ कोई एंटीजन या, ठीक है. अब क्या होता है कि एक सब्सटेंस को एंटीजन होने के लिए उसको एक कंडीशन होती है. ठीक है, एक तो उसका जो मॉलिकुलर वेट है, ठीक है, वो 8000 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 8000. ठीक है, उसका 8000 मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर डाल्टन उससे ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, एक और होता है कि उसकी एंटीजेनिसिटी, ठीक है, एंटीजेनिसिटी के लिए उसका क्या होना ज़रूरी, उसके पास एक एपिटोप होता है. एपिटोप होता है कि हम एपिटोप पता ही लग रहा है कि ऊपर टोपी डाली हुई है उसने, तो फिर उसके सरफेस पे, सपोज़ ये सरफेस है, ये एंटीजन है जो 8000 मॉलिकुलर वेट है, उसके ऊपर एक एपिटोप है. ठीक है, उसके ऊपर एक मॉलिकुलर ग्रुप है. ठीक है, ये होता है, ये होती है उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी. ठीक हो गया, ये जो दोनों लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, वो सबसे पहले होते हैं, प्रिकर्सर्स होते हैं, ये लोग प्लूरीपोटेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स दोनों ही इसे डेवलप करते हैं. ठीक है, उसके बाद जो होता है ये दोनों डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स. ठीक है, अब ये जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं, ठीक है, ये आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं. ये डिफ्रेंशिएट होंगे अगर तो टी सेल्स बनाने हैं. ठीक है, तो टी सेल्स कहाँ पे जाएंगे, टी सेल्स जाते हैं थाइमस में, टी से टी, टी से टी सेल्स, टी से थाइमस, तो वो थाइमस में जाएंगे और थाइमस जो है उन्हें डिफरेंशिएट कर टी सेल बना देगा या टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, और अगर बी लिम्फोसाइट्स बनाने हैं तो वो, ये जो हो रहा है ना हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स कॉमन, ये सब बोन मैरो में ही है, दिस इज स्टिल इन बोन मैरो. ये हमें पता है बोन मैरो में ही बनता है ये सब. और उसके बाद क्या होता है कि ये जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं हमारे, ठीक है, ये डेवलप होते हैं बोन मैरो में ही टू फॉर्म बी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, और अगर तो ये इन्फेंट की बात हो रही है, राइट, इन्फेंट नहीं, मिड फीटल लाइफ की बात हो रही है, तो फिर वो लिवर में जाएंगे. तो मिड फीटल लाइफ में ये जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं लिवर के अंदर टू फॉर्म बी लिम्फोसाइट्स. और नॉर्मली लेट फीटल लाइफ या आगे कभी भी बोन मैरो में होते हैं टू फॉर्म बी लिम्फोसाइट्स, मतलब बर्थ के आफ्टर बी लिम्फोसाइट्स में ये कहाँ पे होते हैं, बोन मैरो में ही होते हैं. और इसको हम लोगों ने बी क्यों कहा था, क्योंकि एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसमें बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, दैट इज बुर्सा ऑफ फैब्रिकस. और ये किसके अंदर होता है, ये बर्ड्स के अंदर होता है, ये बर्ड्स के अंदर पहले डिस्कवर किया गया था इस ऑर्गन में, इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट्स कहा गया था इसलिए. ठीक है, और टी को बिकॉज ऑफ द थाइमस.
अब जो थाइमस है, थाइमस के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो काफ़ी वो होते हैं, लाइक वो बनते हैं, ठीक है, वो डिवाइड होते हैं, एक वो डाइवर्सिटी लेते हैं, मतलब प्रॉपर वो एजुकेशन लेते हैं, रिएक्टिविटी सीखते हैं कि कैसे एंटीजन को मारना है, अपने आप को ग्रो करना सीखते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, अब ये टी लिम्फोसाइट्स, अब एंटीजन हमने बात की कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 8,000 है, ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर वेट जिसका 8,000 है वो तो ऐसे हमारे हमारे अपने प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो जो प्रोटीन्स हैं अगर उनके खिलाफ भी बनेंगे कई बाकियों के खिलाफ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि टी लिम्फोसाइट्स सिर्फ फॉरेन एंटीजेंस के लिए बने, अपने प्रोटीन्स के लिए भी बन सकते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स, तो थाइमस क्या करता है कि थाइमस उन टी लिम्फोसाइट्स को, मतलब टी लिम्फोसाइट्स को रिलीज करता है जो कि सिर्फ जो पहचान सके कि हमारे अपने प्रोटीन्स कौन से हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग मिक्स करते हैं, मतलब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मिक्स होते हैं सबसे पहले टी थाइमस में अपने बॉडी के खुद के टिश्यूज़ में। तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये मिक्स होते हैं अपने बॉडी के टिश्यूज़ में, ठीक है, इसमें से जो रिएक्ट करने लग जाएँ, ठीक है, जो रिएक्ट करने लग जाएँ टी लिम्फोसाइट्स, उनको फिर मार देते हैं, वो फेगोसाइटाइज हो जाते हैं, ठीक है। और अगर जो रिएक्ट ना करे, जो पहचान ले कि ये अपना है, उनको फिर वो हम उनको रख लेते हैं कि उनको फिर हम भेजेंगे अटैक के लिए। दे आर फाइनली रिलीज्ड, दोज हु आर नॉन रिएक्टिव अगेंस्ट द बॉडीज ओन एंटीजन्स, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दे रिएक्ट ओनली अगेंस्ट द एंटीजन्स फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स, दैट इज बैक्टीरिया, टॉक्सिन, ठीक है, इन सब के साथ। और ऐसे 90% होते हैं जो कि मर जाते हैं, ठीक है, जो कि फेगोसाइटोज होते हैं। ऐसे हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने अपने खुद के एंटीजन से, अपने खुद के प्रोटीन्स को बचाने के लिए फ्रॉम टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बी लिम्फोसाइट से कैसे डिफरेंट है, जो टी और बी है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, वो होल सेल डेवलपिंग रिएक्टिविटी अगेंस्ट एंटीजन वाला सिस्टम कॉज करते हैं, मतलब कि पूरा का पूरा सेल जो है वो एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है, होल सेल। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स में ऐसा नहीं होता, बी लिम्फोसाइट्स में होता है कि वो सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, वो पूरे के पूरे खुद नहीं आ जाते मैदान में, वो सिपाही भेजते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स तो खुद ही आ जाते हैं, वो सिपाही हैं, बी लिम्फोसाइट्स सिपाहियों को भेजेंगे आगे, ठीक है, मतलब अपने अपने किंगडम में। अब ठीक है, जब बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इनकी प्रोसेसिंग हो जाती है, हमने पढ़ा कि बी लिम्फोसाइट्स की प्रोसेसिंग हो जाती है इसमें बोन मैरो में और ये लिवर में, तो ये लोग बी लिम्फोसाइट्स को कहाँ पे भेज देते हैं, उसके बाद लिम्फोइड टिश्यू में, टी को भी प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के बाद लिम्फोइड टिश्यूज में भेज देते हैं, ठीक है, जो कि जगह 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 जाके लॉज हो जाते हैं। अब क्या है कि मिलियंस ऑफ एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, और मिलियंस ऑफ एंटीजन्स के लिए मिलियंस ऑफ ये जो हम बोलते हैं कि एंटीबॉडीज़ हैं, क्योंकि एंटीबॉडी या फिर टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, वो स्पेसिफिक होते हैं, वो हर एक के साथ नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है। अब इतने मिलियंस बनाने के लिए इतने मिलियन जीन्स तो हो नहीं सकते, ठीक है, फ़र्क ये है कि द होल जीन फॉर फॉर्मिंग इज़ नेवर प्रेजेंट, कि मतलब कि पूरा का पूरा जीन, अगर हम बोलें कि पूरा का पूरा जीन अगर है, वो पूरा जीन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, टी सेल या बी सेल के लिए, एक सेल के लिए उनके सेगमेंट्स होते हैं, जीन के सेगमेंट्स। एक्चुअल में क्या होते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ, हम बोलते हैं कि जीन सेगमेंट्स होते हैं, जीन नहीं, जीन सेगमेंट्स, ठीक है, जीन तो इतने ज़्यादा हो नहीं सकते। अब उस जीन के हंड्रेड्स ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, अब वो सेगमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना उनके सेगमेंट्स के, वो मिलियंस में होते हैं, इसीलिए वो कॉम्बिनेशंस की वजह से उन लोग के पास स्पेसिफिसिटी मिलियंस में आ जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जीन सेगमेंट्स। एंड जीन सेगमेंट्स, सपोज 100 जीन सेगमेंट्स हैं, वो फर्स्ट वाला 100वें वाले के साथ कंबाइंड है, तो अब ये वाले एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी अलग होगी, ये वाले टी लिम्फोसाइट्स की स्पेसिफिसिटी अलग होगी दैन 2 with 100, तो ऐसे कितने सारे मिलियंस
जो है वो कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस जीन सेगमेंट्स. जीन्स नहीं होते, जीन के सेगमेंट्स होते हैं. बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं.